चलिए फिलहाल राजधानी जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लालकोठी थाना इलाके में विवाद हुआ है। नाली निर्माण को लेकर एक ही समुदाय के लोगों में विवाद हुआ है और विवाद के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस चाकूबाजी में 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। तो राजधानी के लालकोठी इलाके में ये वाकया सामने आया है। यहाँ पर एक समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, जिनमें इस विवाद के दौरान चाकूबाजी की घटना भी सामने आई है। करीब 7 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल एडमिट उन्हें अस्पताल में कर दिया गया है, लेकिन पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो जयपुर के लालकोठी थाना इलाके में विवाद, नाली निर्माण को लेकर एक ही समुदाय के लोगों में विवाद देखने को मिला और विवाद के दौरान इस हद तक ये बात बढ़ चली कि चाकूबाजी भी आपसी हो गई। चाकूबाजी में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। सूचना लगते ही पुलिस पहुंची, सबसे पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहां पर माकूल इलाज उन लोगों का जारी है और पुलिस की टीम फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, लालकोठी थाना इलाके से एक विवाद की जो जानकारी है वो सामने आ रही है और ये यहीं पर नहीं थमा, इतना बढ़ चला कि इसमें चाकूबाजी भी हुई है। क्या ये पूरा प्रकरण यादवेंद्र? देखिए जैसे बिल्कुल, ये लालकोठी थाना इलाके के अंतर्गत पूरा इलाका आता है, जहाँ पर घाटगेट जो स्थित है, घाटगेट के पास जो दुकानदार है उसके बीच में यहाँ पर विवाद हुआ था और इस विवाद में यहाँ पर एक युवक की दर्दनाक यहाँ पर मौत हो गई और 7 जो लोग हैं उनकी यहाँ पर हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि महज एक नाली के निर्माण के विवाद को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ था और झगड़े के दौरान कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। एक जो शख्स था वो फावड़ा लेकर के आया था, दूसरा जो शख्स था उसके हाथ में चाकू था और उस फावड़े और चाकू से एक दूसरे के ऊपर उन्होंने वार किए, जिसमें गंभीर रूप से जो तमाम जो लोग थे वो घायल हो गए थे उसके बाद। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये रही कि जो पुलिस की जो चेतक थी वो यहाँ से राउंड लगा रही थी, अचानक जब उन्होंने झगड़ा दिखाई दिया तो उन्होंने यहाँ से स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो दोनों पक्ष थे वो पूरी तरीके से लहूलुहान हो गए थे, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की जो टीम थी दोनों पक्षों को यहाँ से सीधे अस्पताल लेके गई। मगर अस्पताल ले जाने के दौरान यहाँ पर इलाज के दौरान एक शाबिर नाम का जो शख्स है उसकी यहाँ पर मौत हो गई है, जो बाकी जो 7 लोग जो लोग है वो यहाँ पर गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद यहाँ पर DCP ईस्ट है प्रहलाद कृष्णिया, एडिशनल SP अवनीश कुमार और ACP नीलकमल समेत तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने हालात का जायजा लिया था तो पता चला कि महज एक छोटा सा विवाद था, वो भी नाली के निर्माण को लेकर था और इस नाली के निर्माण को लेकर के एक ही परिवार के जो सदस्य थे वो आपस में उलझ गए थे। हालांकि 4 दिन पहले घटनाक्रम हुआ था जिसमें इस परिवार ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए थे, उसके बाद पूरा घटनाक्रम पुलिस थाने पे चला गया था। लालकोठी थाना पुलिस के ओर से यहाँ पर दोनों एक पूरे परिवार को जिनके बीच झगड़ा था उनको यहाँ पर पाबंद भी किया गया था और 151 के अंदर यहाँ पर बंद भी किया गया था शांति भंग के आरोप में। मगर उसके बाद आज 4 दिन बाद फिर से एक विवाद हुआ और विवाद के दौरान यहाँ पर चाकूबाजी हो गई और ताबड़तोड़ यहाँ पर जब वार किए गए एक दूसरे पर, उसके बाद यहाँ पर एक युवक की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस की जो टीम है और इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो झगड़े का जो CCTV है वो A1 TV के हाथ लाया गया है, जिसको हम अब से कुछ देर बाद यहाँ पर प्रसारित करेंगे। लेकिन उस CCTV में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक शख्स चाकू लेकर के आता है और लड़ाई झगड़े के मूड से आता है और यहाँ पर आते ही ताबड़तोड़ वार कर देता है और घटनाक्रम इतना चलता है 15 मिनट तक एक दूसरे के ऊपर चाकू से वार किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर एहतियात के तौर पर दंगा नियंत्रण जो वाहन है उसको यहाँ पर तैनात कर दिया गया। पुलिस का सख्ती जाप्ता है जो ईस्ट जिले का और साथ में नॉर्थ जिले का, उसको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना वापस ना हो या झगड़े की स्थिति वापस ना बनते। बिल्कुल जी, चलिए यादवेंद्र बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।